कि आप अपने बालों की टेक केयर कैसे करते हो। दी प्लीज हेयर ग्रोथ का कुछ बता दूँ प्लीज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो है क्वेश्चन आंसर व्लॉग। तो मैं जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे थे मैं उनके आंसर देने वाली हूँ। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कल परसों डाली थी एक पिक, उसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों से कोई मेरे से क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे हैं और एक दिन पहले दिन भी मैंने पोस्ट डाली थी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर उसमें भी हैं, क्वेश्चन सॉरी। तो मैं दोनों लूँगी आज, वो दोनों क्वेश्चन लूँगी। तो आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है मैं आपको वो आंसर दूँगी। तो अभी मैं मम्मी के फ़ोन से आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ूंगी और मैं आपको आंसर दूंगी, क्योंकि अपने फ़ोन से तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, इसीलिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अंकी लक्की 995, इन्होंने पूछा है, हेलो नेहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एकदम नेचुरल ब्यूटी हो आप, और मुझे ये पूछना है कि आप अपने बालों की टेक केयर कैसे करते हो। थैंक यू सो मच अंकी, आपने मुझे ब्यूटीफुल बोला इसीलिए। और मैं अपने बालों की केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं ना कोई ऑयल लगाती हूँ ना कोई शैम्पू, मेरे ये नेचुरली हैं बाल, मैं कोई केयर नहीं करती हूँ। जो शैम्पू हाथ आता है उससे मैं बाल धो लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। केयर करने से बाल अच्छे हों ऐसा भी नहीं है, किसी की ग्रोथ ही अच्छी होती है ना, तो इसीलिए मैं कोई केयर नहीं करती हूँ। तो यही था मेरा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकी राणा 1322, इन्होंने भी हेयर के बारे में बोला है, दी प्लीज़ हेयर ग्रोथ का कुछ बता दो प्लीज़। तो बेनी यार, मेरी ना जेनेटिक है ये हेयर, और हमारी फैमिली में मेरी सिस्टर के भी ऐसे ही हैं और मेरी मम्मी के भी, मेरी मौसी के भी, तो ये जेनेटिक हैं। अब मैं क्या बताऊँ, बताओ हेयर ग्रोथ के बारे में, बस यही है, हमारे नेचुरल हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माही रावल, दी आपने ढोलक बजाना किससे सीखा, एक दिन प्लीज़ ढोलक बजाते हुए की वीडियो डालो, दिखाओ कैसे बजाते हैं, क्योंकि मुझे बजाने का बहुत शौक है। तो ना ढोलक बजाने का ऐसा है कि जब हम छोटे थे ना, तो मेरा जो सबसे बड़ा वाला दादा है वो, उसने संगीत किया हुआ है तो वो सब चीज़ बजाता है, हारमोनियम ढोलक तबला वगैरह। तो हम लोग शाम के टाइम आरती करते थे तो दादा हारमोनियम बजाता था और छोटा वाला दादा मेरा बीच वाला वो ढोलक बजाता था। तो मैंने उन दोनों को ही सीखते हुए हारमोनियम भी सीखी और ढोलक भी सीखी, तो उनसे सीखा है मैंने। तो कभी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बजाते हैं ढोलक, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता जलाल, हेलो दी, मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ और आप बहुत सुंदर हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कब स्टार्ट की। थैंक यू सो मच निकिता। और मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग स्टार्ट किया था पिछले साल होली के दिन से, जिस दिन होली थी ना उस दिन मैंने स्टार्ट किया था, और एक साल हो गया है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, और एक साल में मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये है मेरा आंसर। और ममता मनु 3110 का आंसर, वो सॉरी क्वेश्चन है, चंपावत में कहाँ रहते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैं रहती हूँ चंपावत में पुलिस लाइन कोतवाली के पास, और मैंने किया है एमकॉम, कंप्लीट हो गया है मेरा, ये है मेरी क्वालिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता मेंडुली 2887, हेलो नेहादी, मैं आपकी ब्लॉग रोज़ देखती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, अपने लंबे बालों का राज बताना, मुझे भी लंबे बालों का शौक है बट मेरे बाल बढ़ते ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच संगीता। तो मैंने आगे बताया ना मेरे हेयर्स जेनेटिक हैं, नेचुरल हैं, तो
यही है बस। और आप लोगों के 2 मुहे बाल होते होंगे तो उनको ट्रिम करते रहा करो 15-15 दिन में, तो आपके शायद ही बाल बढ़ जाएं। तो बस यही है। और एक अक्षय सिंह, आप बबीता बिष्ट को जानते हो जो व्लॉग बनाती है? हाँ वैसे मैं उनकी व्लॉग देखती हूँ पर मैं ऐसे जानती नहीं हूँ। उनकी जो सिस्टर हैं वो हमारी क्लासमेट हैं रुचि, तो मैं बस ऐसे ही जानती हूँ। वैसे फेस टू फेस अभी तक मिली नहीं हूँ और वैसे जानती नहीं हूँ। वो भी अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, आप लोग भी देखा करो उनके व्लॉग, बस ऐसे ही जानती हूँ उनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरूर पिथौरागढ़ ऐसे ही 562 इनका क्वेश्चन है। हेलो दी, आपने ट्वेल्थ में क्या, आपके ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट थे? तो यार मेरे ट्वेल्थ में थी साइंस, बायो, बायो थी मेरी। और फिर उसके बाद मैंने किया बीकॉम, तो ट्वेल्थ में मेरी थी साइंस। और नेक्स्ट है हरीश तिवारी 9935, इनका क्वेश्चन है, लाइव आने का टाइम नहीं बताते हो, चुपके से आते हो लाइव, फिर बोलते हो कोई जुड़ ही नहीं रहा है, योर बिगेस्ट फैन दुबई से। तो ना लाइव आने का ये होता है कि जब मैं टाइम, अगर जो टाइम बताऊंगी ना उस टाइम पे मेरा मतलब ज़रूर हो जाएगा कि काम ही हो जाएगा उस टाइम, कुछ ना कुछ काम। तो मैं इससे अच्छा जब फ्री होती हूँ मैं तब लाइव आ जाती हूँ और थोड़े बहुत लोग जुड़ जाते हैं मुझसे, थोड़े बहुत लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो बस यही है, अब से सोच रही हूँ अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे मेरी वीडियोज़ पर तो मैं टाइम मतलब बता के आऊँगी लाइव, ठीक है? तो बस यही है। और थैंक यू सो मच काव्या कीर्ति 2691, इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब इनका ऐसी है, दी आपके व्लॉग्स सुपर है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दिया पहाड़ी व्लॉग, दी मैं रोज़ आपके घर के पास से कॉलेज जाती हूँ, आपको देखते भी हूँ, मुझे आपसे मिलना है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ से जाते हो तो मेरे को देखते हो तो बोलते क्यों नहीं हो? मेरे को ये दिक्कत है तुम लोगों से और कुछ नहीं है। मैं छत में कभी कभी घूमती हूँ तो मुझे देखते तो बहुत लोग हैं। अब मैं तो नहीं जानती हूँ ना आप लोगों को, आप तो मुझे जानते हो, तो अगर मैं दिखती हूँ तो प्लीज़ बोल जाया करो और ऐसा बोला करो कि दी व्लॉग बनाओ हमारे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा यार, मुझे भी ये लगेगा कि हाँ यार कोई तो मेरे व्लॉग देखता है ना। तो आप मेरे से मिलना है तो आप हमारा गेट खोल के सीधे नीचे आ सकती है। कोई मतलब हमारा घर में ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये कौन है ये कौन है, कोई भी मिलेगा तो आप सबसे बोल जाना, सब आपसे बात कर लेंगे और हम घर पे ही रहते हैं हमेशा, तो आप लोग आ सकते हो मेरे घर मुझसे मिलने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा 2.0623, अब जीरो है या वो है पता नहीं, इन्होंने बोला है हेलो दी, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आप अपने बालों को धोने में कितना टाइम लगाते हो और कितना शैम्पू लग जाता है? तो ना जब मेरे स्टार्टिंग में बढ़ते थे तब मेरे को टाइम लगता था, मतलब मैं अगर मैं नहाने के लिए चली गई थी ना, मेरे मम्मी लोग जो मेरे बाद नहाएगा वो बेचारा मतलब एक मूवी तो देख ही लेता होगा। पहले पहले होता था ऐसा क्योंकि तब मैं छोटी भी थी और बाल भी लंबे थे तो टाइम लग जाता था, लेकिन अब मैं 10 मिनट या फिर 5 मिनट में नहा के आ जाती हूँ क्योंकि अब आदत हो गई है और बाल भी बहुत पतले हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, सिर्फ 5-10 मिनट लग जाते हैं। और शैम्पू एक डब्बा पहुंच जाता है 15 या 20 दिन, यही होता है शैम्पू को, मतलब बालों को शैम्पू की ज़रूरत होती ही है ना, तो इसीलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तनुज रौतेला, हेलो दी आप प्रेगनेंसी कब बनोगी ख्याल सी? अब मैं इनका क्वेश्चन तो समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है ये प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ जब भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी मैं, ठीक है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया अधिकारी का, दी आप कब आ रहे हो लोहाघाट को? तो मैं आ रही हूँ लोहाघाट कल को, पर मैं आप लोगों से मिल नहीं पाऊँगी क्योंकि हमको जाना है गांव और हम सीधा सामान वगैरह लेके अपने गांव को जाएंगे, तो इसीलिए। ठीक, आई एम गेमर 365, इनका क्वेश्चन है, दी सुनो आप प्रेगनेंसी प्रैंक करना अपने हस्बैंड पे जब वो आएंगे प्लीज। मैंने मार तो खानी नहीं है, ठीक है? और उनको उनको ऐसे मतलब वो करते हैं मजाक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इस प्रैंक के लिए साफ मना कर देंगे, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा ये प्रैंक, तो नहीं हो पाएगा और मेरे को और लोगों से भी डांट पड़ेगी, तो
ये प्रैंक नहीं, कोई और प्रैंक सोचो, लेकिन मैंने एक प्रैंक सोचा है उनके साथ करने का, तो देखो वो सक्सेस होता है तो क्या होता है फिर, ठीक है? पर ये प्रैंक तो नहीं हो पाएगा यार भैया। मानसी फर्त्याल प्यारी दी, थैंक यू सो मच मानसी। टीना ग्लीविक्स, डांस वीडियो ज़्यादा बनाया करो दी। ओके ठीक है, बनाऊंगी, अब जब कहीं जाऊंगी तो पक्का डांस करूंगी, ठीक है? अब नाम नहीं आया है, उनने कमेंट किया है नाइस पिक, थैंक यू। ओए होए ओए होए, वाओ ओपन लॉन्ग हेयर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट है दिव्या पुरोहित, नाइस लिखा है इन्होंने, तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप सिखा विश्वकर्मा, आप अपने सूट कहाँ से और कौन से टेलर के पास सिलवाते हो? तो मैं ना अपने सूट लेती हूँ अपने मायके खटीमा से ही लेती हूँ और वहीं से सिलवा के लाती हूँ। तो उस टेलर का नाम है कैफ टेलर, वो है सब्जी मंडी के अंदर, तो मैं वहाँ सिलवाती हूँ अपने सूट, आपको पता चल गया होगा। आप सभी को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, तो इसी के साथ आज की ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको ये भी बता देती हूँ कि दो चार दिन ब्लॉग नहीं आएंगे क्योंकि मैं जनेऊ में जाने वाली हूँ, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो थोड़े दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहना और मेरी सारी वीडियोज़ देखना पुरानी पुरानी जिसने नहीं देखी है, तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे को सपोर्ट करना और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और सबको मेरी वीडियो शेयर करना। और जो जो जिन जिन की मम्मियों के पास ऐसे फ़ोन है ना, जैसे मेरी सास का फ़ोन है, तो उस फ़ोन में भी स्टेटस लगा देना ताकि दूर दूर तक मेरी वीडियो पहुँचे, क्योंकि मैं भी अपनी सास के फ़ोन में स्टेटस लगा देती हूँ तो सब लोग देखते हैं, तो अच्छा लगता है जब कहीं जाती हूँ तो बोलते हैं कि कल तो आप लोग ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।